हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसमें मेनली बजट और इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट अभी हम शुरू करने वाले हैं। ये थोड़ा छोटा होगा। इसका रीज़न ये है कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक के बाद जो टॉपिक आएगा वो होगा कंपोनेंट्स ऑफ बजट, यानी कि जिसमें हम रेवेन्यू अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो रेवेन्यू में रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, फिर उसी तरह कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे तो कैपिटल में रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल में रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो उसको मैंने एक अलग पार्ट में रखा है। अगर उसको मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा तो ये लेक्चर जो होगा, ये पार्ट जो होगा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में जो पार्ट है इसमें हम लोग बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके आर्टिकल 112 में दिया हुआ है। और बजट नाम का यूज़ कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। जो वर्ड का यूज़ किया गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बस इसी का यूज़ किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट नाम का यूज़ नहीं किया गया। ठीक है, तो बजट होता क्या है? इट रिलेट्स टू द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के, जैसे कि 2018-19, ठीक है, इसके जो रिसिप्ट होंगे या फिर जो एक्सपेंडिचर होंगे उनको इंक्लूड किया जाता है बजट में। इसमें दो अकाउंट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट जिसको रेवेन्यू अकाउंट भी कहते हैं, एक होता है कैपिटल बजट जिसको कैपिटल अकाउंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जो रेवेन्यू बजट या रेवेन्यू अकाउंट होता है इसमें आती है करंट फाइनेंशियल ईयर की चीज़ें, यानी कि अगर जो फाइनेंशियल 2018-19 है तो इसमें कितना खर्चा हुआ या फिर कितना रिसिप्ट हुआ। ठीक है, यानी कि देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट में भी क्या होता है, रेवेन्यू में भी क्या होता है, एक रिसिप्ट होता है और एक्सपेंडिचर होता है। उसी तरह कैपिटल अकाउंट में भी रिसिप्ट होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू अकाउंट जो होगा इसमें जो करंट फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि 2089 में जितना रिसिप्ट हुआ, यानी कि जितना इनकम हुआ और जितना एक्सपेंडिचर हुआ, उसको ऐड करेंगे। अभी जो कैपिटल अकाउंट या फिर कैपिटल बजट होता है इसमें हम क्या ऐड करते हैं? इसमें ऐड करते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? एसेट का मतलब होता है कि वैसी प्रॉपर्टी, ठीक है, जिस पर आपका अधिकार हो। लाइबिलिटी का मतलब होता है जो आपने किसी और से लिया हुआ है और उसको चुकाना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर मेरी इनकम 100 रुपये है, इस पर मेरा अधिकार है, ये मुझसे कोई मांग नहीं सकता क्योंकि ये मुझे किसी न किसी वेज के फॉर्म में मिला हुआ है। मैंने काम किया तो उसके लिए मुझे ये सैलरी मिली हुई 100 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये एसेट हुआ। ठीक है, ये मुझे किसी को देना नहीं है और कोई मुझसे मांग नहीं सकता, यानी कि इस पर मेरा अधिकार है, तो ये एसेट हुआ। लाइबिलिटी क्या हुआ? मान लीजिए मैंने लोन लिया, मैंने 100 रुपये का लोन लिया, तो लोन क्या होता है, ये आपको कभी ना कभी जिससे आपने लिया है उसको चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, यानी कि जिसने आपको लोन दिया है वो आपसे मांग सकता है, वो क्लेम कर सकता है, और आपकी लाइबिलिटी है कि आपको चुकाना है, यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो चुकाना है, वो वापस करना है। ठीक है, तो समझ में, एसेट क्या होता है? ये किसी को वापस नहीं किया जाता, इस पर पूरा अपना अधिकार होता है। लाइबिलिटी क्या होता है? इसे आपको वापस करना पड़ता है, ये किसी दूसरे का होता है, ये आपका नहीं होता। ठीक है, तो गवर्नमेंट के एसेट्स होते हैं, गवर्नमेंट की अपनी प्रॉपर्टीज भी होती है। ठीक है, साथ ही साथ गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज भी होती हैं। गवर्नमेंट कहीं से लोन लेके आती है, चाहे वो किसी अदर कंट्री से लोन लेके आए, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेके आए, या फिर विद इन कंट्री, यानी कि अपने देश के ही अंदर से ही क्या है, पब्लिक से ये लोन ले। ठीक है, सिक्योरिटी बेस के लोन ले, तो इस तरीके से क्या होता है, जब लोन लेती है गवर्नमेंट तो उसको चुकाना भी पड़ता है विद इंटरेस्ट, तो इसको क्या कहेंगे हम? लाइबिलिटी कहेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट जो बजट बनाती है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि बजट क्यों बनाया जाता है। तो आपके एनसीईआरटी में 3 रीजन बताया गया है। एक रीजन है एलोकेशन पर्पस, सेकेंड है रीडिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड है स्टेबलाइजेशन। ठीक है, एलोकेशन का मतलब क्या है? तो आपको ये पता है कि जो बजट होते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए कुछ
पैसा एलोकेट किया जाता है, जैसे कि एजुकेशन पर इतने पैसे एलोकेट किए जाएंगे, एग्रीकल्चर पर इतने किए जाएंगे, ठीक है, रेलवे के लिए इतने पैसे एलोकेट होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए उसमें पैसों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनको एलोकेट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कहने का इनका यही मतलब है। यहाँ पर दो चीज़ें डिस्कस की गई हैं, एक है पब्लिक गुड और एक है प्राइवेट गुड, ठीक है। तो पब्लिक गुड क्या होते हैं और प्राइवेट गुड क्या होते हैं? प्राइवेट गुड तो वो गुड्स होते हैं जिनको प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट फर्म्स बनाती हैं, ठीक है। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? जिनको गवर्नमेंट बनाती है, केवल गवर्नमेंट बनाती है ऐसा नहीं है, पब्लिक गुड जो है उनको गवर्नमेंट भी बना सकती है और उसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया बना सकता है। देखिए, पब्लिक गुड्स मे बी प्रोड्यूस्ड बाई गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, ये हमेशा याद रखिएगा, एमसीक्यू में दिक्कत करेगा, ठीक है। एमसीक्यू में दे देगी प्राइवेट गुड्स आर मेड बाई, ऑलवेज मेड बाई प्राइवेट फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशंस, फिर लिख देखिए पब्लिक गुड्स आर मेड ऑलवेज मेड बाई गवर्नमेंट, तो वहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स जो होते हैं इनको गवर्नमेंट ही, सॉरी गवर्नमेंट नहीं बनाती, प्राइवेट सेक्टर ही बनाता है, लेकिन जो पब्लिक गुड्स हैं उनको गवर्नमेंट भी बनाती है और उनको प्राइवेट सेक्टर भी बना सकता है, ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। अब यहाँ पे पब्लिक गुड जो है ये नॉन एक्सक्लूडेबल है और प्राइवेट गुड जो होते हैं ये एक्सक्लूडेबल है। इसका मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडेबल का मतलब आप किसी चीज़ को एक्सक्लूड कर पाए, यानी कि उसको हटा दें। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो प्राइवेट गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, ये सभी के लिए प्रोड्यूस नहीं की जाती, जैसे कि लग्जरी कार्स। लग्जरी कार क्या होती है? ये सभी के लिए प्रोड्यूस नहीं होती और सभी इसको खरीद नहीं सकते, एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोग ही उसे खरीद सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक काफ़ी बड़ा सेक्शन जो होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है, यानी कि वो हटा दिया जाता है, ठीक, यानी कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए प्राइवेट गुड्स जो होते हैं ये एक्सक्लूडेबल होते हैं, लेकिन जो पब्लिक गुड्स जो होते हैं ये एक्सक्लूडेबल नहीं होते, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट कोई हॉस्पिटल बनाती है, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे गरीब भी जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं और वहाँ पे जो पैसे वाले लोग हैं वो भी जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। वहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि आप पैसे वाले हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है या गरीब है तो आपको कुछ ऐसा कुछ मिलने वाला है। हाँ, कुछ पॉलिसीज चलती हैं गवर्नमेंट की, जिसमें जो वीक पीपल होते हैं सोशली या फिर इकोनॉमिकली, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा वेजेस दिए जाते हैं या एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नन ये जो वीकर लोग हैं या फिर जो स्ट्रांग लोग हैं उनके साथ कुछ अलग ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा चीज़ नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या होता है? नन एक्सक्लूडेबल होता है। लाइक जैसे मैंने भी हॉस्पिटल का नाम बताया, उसके तरह जैसे कि नेशनल डिफेंस होता है, ठीक है, जैसे डिफेंस फोर्सेस क्या होती हैं, हमारी कंट्री को डिफेंड करती है। तो ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे कि भाई हम सिर्फ गरीबों को डिफेंड करेंगे, अमीरों को डिफेंड नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। सबके लिए रोड्स सबके लिए होती हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करता है ये सबके लिए बराबर काम करता है, ठीक है। तो ये समझ में आया, पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स, ये टर्म याद रखिएगा, एक्सक्लूडेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल, ये सब चीज़ें फंसाती है एमसीक्यू में। पब्लिक प्रोविजंस क्या होता है? देखिए, डेफिनेशन लिखा हुआ है कि वैसे प्रोडक्ट्स जिनको पेमेंट किया जाता है थ्रू बजट, नॉट बाई डायरेक्ट पेमेंट, ठीक है। वैसे प्रोडक्ट्स जिनको बनाने के लिए बजट के थ्रू पेमेंट किया जाता है, यानी कि बजट में एलोकेशन कर दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उनको डायरेक्ट पेमेंट नहीं किया जाता। जैसे हैंड टू हैंड पेमेंट होता है ना कि आप बनाइए अभी मैं आपको पैसा दूंगा, तो इस तरीके का उसमें नहीं होता है। तो जिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन इस तरीके से हो जिसमें बजट के थ्रू उसको पेमेंट दिया जाए, डायरेक्ट पेमेंट ना हो, उसको हम कहते हैं पब्लिक प्रोविजन, ठीक है। अब एक होता है पब्लिक प्रोडक्शन, ये क्या होता है कि व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट, जिस गुड्स को डायरेक्टली गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है उसको कहते हैं हम पब्लिक प्रोडक्शंस, ओके। तो एलोकेशन समझ में आया कि एलोकेशन में मेनली इसमें यह है कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए पैसे एलोकेट किए जाते हैं, ठीक है। ये तो एक पहला ऑब्जेक्टिव हो गया आपको बजट का। दूसरा ऑब्जेक्टिव है रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट अफेक्ट द पर्सनल डिस्पोजल इनकम ऑफ हाउस होल्ड बाई मेकिंग ट्रांसफर्स एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, ठीक है। डिस्पोजल ये जो है, डिस्पोजेबल इनकम जो है,
ये क्या होता है, ये हमने पिछले पार्ट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो डिस्पोजेबल इनकम, चलिए फिर बता भी देता हूँ। मान लीजिए आपकी सैलरी सैलरी जो है ये 100 रुपये है, तो ये आपके खर्च के लिए टोटल नहीं मिलता, इसमें से आपको कुछ इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने कुछ लोन वगैरह लिया है तो उसके लिए इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक। अगर आपने कुछ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उसके कुछ प्रीमियम्स वगैरह भी देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें कटा के या फिर इनको सब इसमें से सब्सट्रैक्ट करके मान लीजिए आप आपके पास सिर्फ 80 रुपये बचते हैं, तो ये 80 रुपये जो है ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब आप इसे खर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरे का पूरे 100 रुपये आपके खर्च के लिए नहीं होता, ये डिस्पोजेबल इनकम नहीं होता, क्योंकि इसमें से बहुत सी चीज़ें आपको डिडक्ट करनी पड़ती हैं। उसके बाद जो बचता है एग्जैक्ट आपके पास, वो आपका डिस्पोजेबल यानी कि खर्चा करने योग्य आपका इनकम होता है, ठीक है। तो अब क्या करती है गवर्नमेंट, ये डिस्पोजेबल इनकम जो होता है इस पर टैक्सेस लगाती है, ठीक है। तो टैक्सेस भी कई तरीके के लगते हैं, जैसे यहाँ पर तो आपको निकल गया डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में, ये क्या था IT इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स जो था ये डायरेक्ट टैक्स था, वहां से निकल गया। लेकिन इसके अलावा भी गवर्नमेंट क्या करती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है, ठीक है। अब कोई मान लीजिए 80 रुपये आपके पास बचा, मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं आप, तो उन वो जो गुड्स होते हैं उन पर भी टैक्स लगे होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्साइज टैक्स लगे होते हैं, कस्टम ड्यूटी लगी होती है, सेल टैक्स लगे होते हैं, ठीक है। तो अब क्या सब मर्ज हो के, अब तो लगभग बहुत सारे टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स से मर्ज हो, तो GST में हो गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी GST तो लगता है। तो ये क्या हुआ कि अगर मान लो GST के रेट घटा दिए जाए या फिर बढ़ा दिए जाए, तो इसके थ्रू क्या करता है कि गवर्नमेंट जो पैसा है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई लग्जरी आइटम्स है, तो लग्जरी आइटम्स पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि GST बढ़ा दे। तो GST बढ़ा देने से क्या हुआ कि एक्स्ट्रा टैक्स आएगा गवर्नमेंट के पास, तो वो एक्स्ट्रा टैक्स क्या होगा कि गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो पुअर पीपल है उनमें उनको कुछ प्रोडक्ट्स या फिर उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने में यूज़ कर पाए। तो जहाँ से एक जगह से उन्होंने टैक्स के फॉर्म में इनकम लिया और दूसरी जगह उन्होंने खर्च कर दिया जहाँ पे उसकी ज़रूरत थी, तो इसको कहेंगे हम रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। इस तरीके से तो गवर्नमेंट क्या करती है कि बजट के थ्रू ही, बजट में भी आप देखेंगे कि जो इनकम टैक्स के स्लैब होते हैं उनको बढ़ाया घटाया जाता है, तो ये बजट के थ्रू ही किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा क्या हुआ पर्पस, रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, कि किस तरीके से जो इनकम है और एक्सपेंडिचर उसको कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। थर्ड इसका है स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ बजट, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना। ये कैसे होता है देखिए, द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट वेदर टू एक्सपेंड डिमांड और रिड्यूस इट कंस्टिट्यूट द स्टेबलाइजेशन ऑफ फंक्शन। इकोनॉमी को कैसे स्टेबलाइज करेंगे, मान लीजिए हाई डिमांड होने लगी, हाई डिमांड होने की वजह से अगर प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं है, सप्लाई उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए अगर सप्लाई बहुत है, डिमांड उतनी नहीं है, तो फिर क्या होगा, आपको प्राइसेस बहुत नीचे चली जाएंगी। तो ये भी चाहे प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाए या फिर प्राइसेस बहुत नीचे चली जाए, इन दोनों केसेस में क्या होता है कि इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए डिमांड एंड सप्लाई को कॉन्स्टेंट रखना पड़ता है, यानी कि स्टेबल रखना पड़ता है उनको, भी ज़्यादा उनमें वेरिएशन ना हो, ठीक है। तो ये तीसरा फंक्शन होता है बजट का, जो डिमांड एंड सप्लाई को स्टेबल रखने का काम करता है, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई स्टेबल कैसे होता है, अगेन कि अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा जा रहा है, सप्लाई पैसे की ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई पैसे की हमने वापस ले लिया तो डिमांड घट जाएगी। तो ये सब भी क्या होते हैं, बजट के थ्रू स्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है। टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं घटाए जाते हैं, ये भी क्या होता है, एक तरीके का स्टेबलाइजेशन में ही आएगा, कि टैक्सेस बढ़ा देने से कोई चीज़ महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी तो उसकी क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो इस तरीके से भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं जिससे ये होता है, और ये बजट के क्या है ऑब्जेक्टिव्स हैं कि बजट क्यों बनाए जाते हैं, तो तीन तरीके से सभी ऑब्जेक्टिव आपकी बुक में बताई गई है, ठीक है। इसके बाद हम बजट के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। इस जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस पार्ट में मैंने उनको ऐड नहीं किया क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता,
इसलिए मैं एक पर्टिकुलर पार्ट में, सेकेंड पार्ट जो इसका आएगा उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है? मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।